अस्सलाम वालेकुम जी। चलो जी, लेक्चर नंबर 7 फॉर कंसोलिडेशन वी आर स्टार्ट नाउ। चैप्टर नंबर 6 हम शुरू करेंगे जी आज। अदर ग्रुप, इसका नाम है जी अदर ग्रुप स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे क्या बात डिस्कस होगा, यहाँ डिस्कस होगा IS-27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और IFRS-12 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज। तो ये डिस्क्लोयर्स हैं बेसिकली, जो इसके जो जितने भी स्टैंडर्ड्स हमने किए हैं अभी तक कंसोलिडेशन के, IS-27, 28, IFRS-3, IFRS-10, IFRS-11, उसमें कई डिस्क्लोयर्स दिए हुए। तो इसके डिस्क्लोयर के लिए एक स्पेशल स्टैंडर्ड जो है उन्होंने ड्रॉ किया है IFRS-12, तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने टाइप की होती है, जरा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 3 टाइप की होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये 3 टाइप की होती है। पहले को बोलते हैं इंडिविजुअल, दूसरी को हम बोलते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हम सेपरेट फाइनेंशियल ऐसे लिखते हैं, और तीसरी बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी। तो अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो हम इसको डिस्कस करने लगे हैं, इसको डिस्कस करेंगे IS-27 में, जो हमारा आज का टॉपिक है। अब जरा इसको थोड़ा समझने की चीज़ क्या है। ये चीज़ ये है कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में स्टैंडर्ड कहता है कि ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें आपने ना कोई एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ना आपने किसी जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ना आपने किसी सब्सिडी में जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर आपने किसी पे इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं और तमाम जो है वो अपने IFRS और IAS जो है अप्लाई कर रहे हैं उस पर, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे कि ये एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब अगर मैंने किसी भी एक में या सब में या दो में इन्वेस्ट कर दी है, अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो इनमें से किसी एक में आ चुकी है, सब में आ चुकी है, दो में आ चुकी है, अब जो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इससे रेलेवेंट तमाम स्टैंडर्ड यूज करने पड़ेंगे। जॉइंट वेंचर, एसोसिएट और सब्सिडीज के रेलेवेंट जो है वो सारे कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड हैं, वो मुझे यूज करने पड़ेंगे। तो जब मैं ये यूज करूंगा सारे, तो क्या होगा, वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ मैं सारे स्टैंडर्ड यूज नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ IS-27 यूज करना चाहता हूँ इनके ऊपर। अब मैं कंसोलिडेशन वाला कोई स्टैंडर्ड यूज नहीं करूंगा, फॉर एग्जांपल IAS-28, इसमें कंसोलिडेशन होती है एसोसिएट की और जॉइंट वेंचर की, मैं इसको यूज नहीं करूंगा। IFRS-3 और 10 इस्तेमाल होता है सब्सिडी की कंसोलिडेशन में, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। IFRS-11 इस्तेमाल होता है ज्वाइंट मैनेजमेंट में, ज्वाइंट वेंचर और ज्वाइंट रिलेशन में, मैं इस स्टैंडर्ड को यूज नहीं करूंगा। जब मैं इस स्टैंडर्ड को यूज नहीं करूंगा, इसमें मैं कंसोलिडेट नहीं करूंगा। अब मुझे इन सब को कैसे शो करना है मेरी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, तो वो मुझे बताएगा IAS-27। तो जब मैं IAS-27 के अंदर इन चीजों को ट्रीट करूंगा, तो वो कहेंगे कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। और जब मैं इन चीजों को कंसोलिडेट करूंगा एज ए ग्रुप इन स्टैंडर्ड को यूज करके, तो उसको मैं नाम दूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है जी। तो ये 3 किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बन सकती है। इंडिविजुअल, जिसमें हमने हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना एसोसिएट में है, ना जॉइंट वेंचर में, ना सब्सिडीज में है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब बनेगी जब हमें किसी तमाम में या किसी एक में या दो में जो हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, और उसके लिए हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हम कंसोलिडेशन वाले जो है वो स्टैंडर्ड यूज नहीं करेंगे। तो हम अपनी इंडिविजुअल बना रहे हैं, तो उसको बोलेंगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको हम कवर करेंगे IAS-27 में। और जब हम एक तो एज ए ग्रुप की बनाएंगे, तो हम उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे, और उसमें क्या करेंगे, हम कंसोलिडेशन के जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स हैं वो हम सारे के सारे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक कॉन्सेप्ट। अब हम जरा इसको यहाँ से पढ़ते हैं। कहता जी इंट्रोडक्शन ऑफ IAS-27 बताएगा, प्रिपरेशन ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डिस्क्लोजर कैसे होंगे, ये सारा जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कहता है इंट्रोडक्शन IAS-27। IAS-27 कंटेन्स अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडीज, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट।
When an entity prepares separate financial statements, जब मैं अपनी individual financial statement में आ रहा हूँ और मेरी इसमें से किसी एक में या सब investment है, तो मैं इसको कैसे represent करूँगा? ये सारी बातें जो हैं वो मैं IAS 27 बताएगा. IAS 27 require an entity preparing separate financial statement to account for those statements at cost in accordance with IFRS 9 financial statement or using equity method. अब इसके तीन method आपको दिए हैं. वो कहता है या तो आप इसको cost method इस्तेमाल करें, आप इसे cost पे रखें, या आप इसको किस पे ले आए, आप इसका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट करें, ठीक है जी, या आप क्या करें इसको, आप उसको इक्विटी मेथड पे ले सकते हैं. तो तीन मेथड इसके अंदर उसको मैं दी हुई है. आपने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है एसोसिएट में, अब आपको उसको अपनी बुक्स पे कैसे शो करने जाते हैं, वो कहता है उसको कॉस्ट पे शो करें आप, या आप उसको एज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो है फेयर वैल्यू पे शो करें, या आप उसको इक्विटी मेथड पे शो करें. अब ये इक्विटी मेथड क्या है, ये आपको दिया हुआ है IAS 28 में, ये सेम वही वाला मेथड है, कोई सेपरेट इस स्टैंडर्ड में कोई सेपरेट नहीं दिया हुआ. जो IAS 28 में जब हम कंसोलिडेशन करते हैं तो हम इक्विटी मेथड इस्तेमाल करते हैं, ये वही मेथड है. तो इसका तरीके का सारा वहीं पे दिया हुआ, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि आप कर सकते हैं. अब जो क्वेश्चन यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्वेश्चन लोगों के जहन में आता है कि चले यार ये एसोसिएट तो समझ में आता है कि एसोसिएट को आपने इक्विटी मेथड लगा दिया, आपने ज्वाइंट वेंचर को इक्विटी मेथड लगा दिया, क्योंकि वो दोनों चीजें जो है IAS 28 में कवर्ड है. अब ये तीसरी चीज हमारी है, हमारी इन्वेस्टमेंट है, सब्सिडी इन्वेस्टमेंट है. ये इन्वेस्टमेंट जो है इस पे क्या इक्विटी मेथड लगेगा? ये बिल्कुल आप देखें, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये सब्सिडी पे कैसे इक्विटी मेथड लगेगा. सब्सिडी की तो कंसोलिडेशन एक्विजिशन मेथड होती है, लेकिन IAS 27 में ये कह रहा है कि अगर आपको सब्सिडी को अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करना है तो आप उस पे चाहे तो इक्विटी मेथड लगा सकते हैं, ठीक है जी. तो यहाँ पे सब्सिडी के लिए अलाउ किया है, और ये इसने अलाउ किया 2014 में, इसके अंदर इसके अमेंडमेंट आई थी IFRS में, ओरिजिनल IAS देखेंगे उसके लास्ट में जाके बिल्कुल उन्होंने अमेंडमेंट दी हुई है. उन्होंने इसका नाम चेंज नहीं किया, स्टैंडर्ड का नाम जो है ना IAS 28 का वो एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर ही है, लेकिन उसे सब्सिडी का नाम ऐड नहीं किया, उन्होंने एंड में जाकर एडजस्टमेंट लगा दी उसकी. तो उसके तहत यहाँ पे बात हुई है कि इक्विटी मेथड जो है वो जो है इंडिविजुअल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है वो सब्सिडी में भी लग सकता है. IAS 28 says which entities must produce separate financial statement. Definition kya hai ji, separate financial statement those presented by an entity in which the entity could elect subject to the requirement of this standard to account for its investment in subsidies, joint venture and associate either at cost, either as fair value or either at equity method. To wahi baat dobara usne definition mein kar di ki aap ye kar sakte hain. Separate financial statements are those presented in addition to consolidated financial statements or in addition to financial statements in which investment and associate joint ventures accounted for using equity method. So CSF ke alawa aur jo individual financial statements hai uske alawa jo banegi wo aapki separate financial statement. However, if a company is exempt from needs to consolidate it or account for an investment using the equity method, the separate financial statements are only financial statements. वो कहता है अगर आपने एग्जेम्पशन ले ली है IAS 28, आप देखें IAS 28 में एग्जेम्पशन दी हुई है कि अगर आप एग्जेम्पशन को फॉलो करते हैं तो आपको कंसोलिडेशन की जरूरत नहीं है एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर की. इसी तरह IFRS 10 जो है उसके अंदर भी एग्जेम्पशन दी हुई है, अगर आप एग्जेम्पशन में पूरे उतरते हैं तो आपको जो है वो सब्सिडी की कंसोलिडेशन की जरूरत नहीं है. तो इस सूरत में क्या होगा, जब आप एग्जेम्पशन ले लेंगे और आप उसको जो है रेलेवेंट स्टैंडर्ड में जाकर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी आपको. अब इसकी प्रिपरेशन कैसी होगी? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद ऑल एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स. तो तमाम IAS तमाम IFRS पे लगेंगे. इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडीज जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट मस्ट बी अकाउंटेड फॉर ए सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइदर कॉस्ट मेथड, फेयर वैल्यू मेथड और इक्विटी मेथड. तो वही बातें दोबारा हो रही हैं. एक कंपनी मस्ट अप्लाई a company a company must apply some accounting for each category of investments. Investments accounted for at cost or using equity method are accounted in accordance with IFRS 5 when they are classified
हेल्पफुल से वो कहता है अगर आपने इसको हेल्पफुल शेयर कर लिया, इन्वेस्टमेंट को जो आपने की हुई एसोसिएट में और ज्वाइंट वेंचर में उसको आपने क्या किया, आपने इसको कहा ये हेल्पफुल सेल है, जब ये हेल्पफुल सेल हो जाएंगी तो फिर आपने क्या करना है, आपने रूल फॉलो करने हैं IFRS 5 के, नॉन करंट एसेट्स हेल्पफुल सेल्स। उसमें वो क्या कहता है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट और यूजिंग इक्विटी मेथड। अब जो आपने कॉस्ट पे रखी है, जो आपने इक्विटी मेथड पे रखी है, इक्विटी मेथड में सिर्फ कॉस्ट मेथड ही होता है, तो उसको आपने क्या करना है, आर अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद IFRS, तो उसको आपने क्या करना है। अब IFRS 15 क्या 5 क्या कहता है, वो कहता है जी आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल पे ले जाएं। अब अगर आपने तो फेयर वैल्यू ऑलरेडी रखी हुई है, आप जो फॉलो कर रहे हैं ये वाला प्रोसीजर, तो ये तो ऑलरेडी IFRS 5 को जो है फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये जो कॉस्ट मेथड आपने दो लिए हुए हैं, ये भी कॉस्ट मेथड आपका और ये भी आपका कॉस्ट मेथड है, इक्विटी मेथड कॉस्ट मेथड है, तो वो कहता है इसको आपने क्या करना है, इसको आपने फेयर वैल्यू माइनस लेस कॉस्ट ऑफ सेल में कन्वर्ट करना है। जब आप कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो फोन आ रहा है इसको वीजे वाले का, मेरा नंबर की दिया उसको, IS 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर अलाउ ए कंपनी टू मेजर इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर एट अ फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब वो कहता है IS 28 जो है वो अलाउ करता है एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर को टू अलाउ कंपनी टू मेजर इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर्स थ्रू P&L। सच इन्वेस्टमेंट्स मस्ट बी अकाउंटेड फॉर इन सेम वे इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो इक्विटी मेथड जो है वो आपको IS 28 में दिया हुआ है, उसके सारे रूल जो है IS 27 में एज इट इज लगेंगे। डिविडेंड आर रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स when the right to receive the dividend is established unless that they elect to use the equity method. In this case, the dividends are recognized the reduction of carrying amount of the investment. So, वो आपको जो है सारी जो है equity method में सारी उसकी जो है वो तरीके कर दिया हुआ है। जब investment हम थोड़ा entry pass ही कर लेते हैं, equity method की जो entries हैं वो क्या होती हैं, number में पहली entry क्या होती थी, अब investment करते हैं तो क्या होता है, investment इसका सेल वीक हो रहा है पेन का, तो ये मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा ये इन्वेस्टमेंट जब इक्विटी मेथड में पहली एंटिटी पहली क्या होती है, पहले हम क्या करते हैं कैश को क्रेडिट करते हैं, कैश जाता है, टू कैश कैश जाएगा और इन्वेस्टमेंट को हम डेबिट कर देंगे, पहली एंट्री ये होगी। फिर क्या होगा, जैसे वो प्रॉफिट अनाउंस करेगा तो हम क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट को जो है वो इंक्रीज कर लेंगे और टू P&L को क्रेडिट कर देंगे, और जब वो डिविडेंड हमें मिलेगा, ठीक है, जब वो डिविडेंड हमें मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम कैश को डेबिट करेंगे और टू इन्वेस्टमेंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ये हमारा इक्विटी मेथड चलता है, इसको बोलते हैं इक्विटी मेथड। अब वो यहाँ पे क्या बात करता है कि डिविडेंड आर रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हेन द राइट टू रिसीव द डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड अनलेस द एंटिटी इलेक्ट्स टू यूज द इक्विटी मेथड। इन दिस केस द डिविडेंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज रिडक्शन फॉर द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे देखिए आप इसको जब कैश रिसीव होगा तो आप उसको इन्वेस्टमेंट को आप प्रॉफिट को रिड्यूस करेंगे। डिस्क्लोजर जनाब दिए हुए इसके, ठीक है जी, ये मैं स्किप कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि ये आपने डिस्क्लोजर में जो है वो कैसे रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। अब बात करते हैं डिस्क्लोजर्स इन इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज। आपकी जो दूसरी एंटिटीज में इंटरेस्ट है उस पर उसके डिस्क्लोजर कैसे देने हैं, यहाँ पे वो बात करता है कि इंट्रोडक्शन IFRS 12, द ऑब्जेक्टिव IFRS 12 इज टू रिक्वायर कंपनीज टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन दैट इनेबल यूजर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इवेल्युएट द नेचर रिस्क एसोसिएटेड एंड इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज द इफेक्ट ऑफ दोज इंटरेस्ट पर्सनल। सारा जो है आपको दिया हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर जो चीज़ कराने वाली है तो इसमें डिस्क्लोजर्स ही हैं, इसमें कोई चीज़ जो है वो आप देखें, जो इसने आप लोगों को जजमेंट लेनी है, कोई एग्जम्पशन लेनी है, उसके आपने कैसे डिस्क्लोजर देने हैं। इसके अंदर एक चीज़ जो कराने वाली थी वो मैं देख रहा हूँ क्या कराने वाली है, इसका स्ट्रक्चर एंटिटी के बारे में जिक्र था, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इज सब्सिडी, सब्सिडी में इंटरेस्ट होगा तो उसके डिस्क्लोजर में कैसे देने हैं, उसके बाद नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का आपने डिस्क्लोजर कैसे देने हैं,
उसके बाद नेचुरल एंड एक्शन ऑफ सिंगुलर रिस्ट्रिक्शन कैसे करनी है आपने, ठीक है जी। इसके बाद इंटरेस्ट इन ज्वाइंट अरेंजमेंट एसोसिएट हमें कैसे, सर जब डिस्क्लोजर की बातें कर रहा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं जरा इसको उसको स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर एंटिटी क्या होती है, स्ट्रक्चर एंटिटी क्या होती है। कहता है जनाब एन एंटिटी दैट हैज बीन डिजाइंड सो दैट वोटिंग एंड सिमिलर राइट्स आर नॉट डोमिनेंट फैक्टर। क्या कह रहा है ये, इसको जरा हम थोड़ा सा देखते हैं स्ट्रक्चर एंटिटी क्या होती है। स्ट्रक्चर एंटिटी वो कहता है क्या है, ये एक 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 कंपनी है, ये एक 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 कंपनी है, ए लिमिटेड है। इसने क्या किया, इसको एक मशीनरी परचेज करनी है, इसको एक प्लांट एंड मशीनरी जो है वो परचेज करनी है, लेकिन ये इसको इसके पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं टैक्स की वजह से ये खुद परचेज नहीं कर पाता। तो ये क्या करता है, ये एक बी कंपनी को डेवलप करता है, ठीक है जी। इसको क्या करता है, इसको ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डेवलप करता है, इससे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसको ये सारा फाइनेंस करता है, लेकिन इसमें शेयर होल्डिंग नहीं करता, इसके अपने शेयर होल्डर हैं, सेपरेट शेयर होल्डर हैं इसके, इसकी शेयर होल्डिंग नहीं ली हुई, लेकिन इसने इसके किसी कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जिसको कंट्रोल करता है। अब ये जो कंपनी बी की तमाम एक्टिविटीज हैं वो ये कंट्रोल कर रहा है, तमाम एक्टिविटीज कहां कंट्रोल हो रही है, ए की हो रही है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, थ्रू शेयर होल्डिंग नहीं हो रही, इसलिए इसके इसका इसका शेयर ए जो है वो ए ने शेयर होल्डिंग नहीं ली हुई बी में, ठीक है जी। और ये क्या है, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इसको कंट्रोल कर रहा है। अब ये क्या करेगा, बी जो है वो इसको परचेज करेगा मशीन को, ओके ये परचेज करके क्या करेगा, इसको लीज कर देगा। तो ये जो कंपनी बी कंपनी जो है इसको बोलेंगे ये स्ट्रक्चर की एंटिटी है, जिसको वो एज ए शेयर होल्डर कंट्रोल ही कर रहा है, इसको उसको एज ए जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है जी। अब हम इसकी जो डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाएगा। कहते जनाब स्ट्रक्चर एन एंटिटी दैट हैज बीन डिजाइंड सो दैट वोटिंग एज सिमिलर राइट्स आर नॉट डोमिनेंट फैक्टर। उसने शेयर होल्डिंग की भी नहीं उसमें, इन डिसाइडिंग हु कंट्रोल द एंटिटी। तो मैं उस एक कंपनी जो है बी को इसलिए कंट्रोल नहीं कर रही कि उसके पास कुछ शेयर होल्डिंग है। सच व्हेन एनी वोटिंग राइट्स रिलेट्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ओनली एंड द रेलेवेंट एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड बाय मींस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट। उसने कोई कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट किया हुआ, उसके कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ उसके, वो उसको उसको कंट्रोल कर रही है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, शेयर होल्डिंग पर कंट्रोल नहीं कर रही, उसको बोलेंगे ये स्ट्रक्चर एंटिटी है, ठीक है जी। तो स्ट्रक्चर एंटिटी माइट बी कंसोलिडेटेड और अनकंसोलिडेटेड डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स एनालिसिस वेदर द कंट्रोल एग्जिस्ट। तो आपका कंट्रोल आपका एग्जिस्ट करता है तो वो कहता है इसको आप बिल्कुल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है तो आप इसको कंसोलिडेट करें, आप चाहे तो फिर ना करें, ठीक है जी। अब उसमें क्या डिस्क्लोजर है वो सारे यहाँ पे दिए हुए कि आपने उसमें क्या क्या देना है क्या क्या नहीं देना, तो ये सारी बातें यहाँ पे होगी, ठीक है जी। आगे आगे फॉर्मेसी इसमें अब जो चैप्टर है वो हम करेंगे, इसका आखिरी चैप्टर है वो चैप्टर नंबर है हमारे पास 13, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 13 में जाएंगे हम, कंसोलिडेशन का हमारे पास आखिरी टॉपिक है, इससे साथ हमारी जो कंसोलिडेशन है वो इंशाल्लाह आज ये पोर्शन ख़त्म हो जाएगा हमारा, और हम जो है इसका पेज नंबर क्या है, पेज नंबर है जी चैप्टर नंबर 32 चले जी। ये आपका जनाब चैप्टर आ गया, ये आखिरी चैप्टर है जी कंसोलिडेशन का, इसका नाम है डिस्पोजल ऑफ सब्सिडीज। जब आप सब्सिडी को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो फिर आपने जो है वो कैसे इसकी अकाउंटिंग करनी है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। इसमें जो इसके पार्ट क्या है, आप फुली डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, आप पार्ट डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, या डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी विच डज नॉट कंटेन अ बिजनेस। अच्छा ये देखिए यहाँ पे कहता है विच कंटेन डज नॉट कंटेन अ बिजनेस, अगर बिजनेस नहीं होगा ना तो IFRS 3 अप्लाई नहीं होता। IFRS 3 का नाम क्या, बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो अगर एक सब्सिडी जो है वो बिजनेस ही नहीं है तो उस पर IFRS 3 नहीं लगेगा, उसके बाद IFRS 5 एंड जो है उसके जो है वो उसमें जो है वो डिस्पोजल जो होगा उसको हम यहाँ पे जो है वो चेक करेंगे।
फुल डिस्पोजल की बात करते ही पहले कि आपने फुल डिस्पोज कर दिया, आपने 100% सब्सिडी दी, 100% से जो है जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है 70% है, 80% है, 90% है, आपने फुली डिस्पोज कर दी, तो फिर क्या होगा? कहता है जनाब, ए पेरेंट कंपनी माइट डिस्पोज ऑफ ए होल्डिंग इन अ सब्सिडी। IFRS 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन रूल्स ऑफ ऑन अकाउंटिंग फॉर डिस्पोजल ऑफ सब्सिडीज। तो ये सारे रूल आपको कहाँ मिलेंगे? IFRS 10 में मिलेंगे। अकाउंटिंग फॉर डिस्पोजल इज एन इशू दैट इम्पैक्ट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देर आर टू मेजर टास्क इन कंस्ट्रक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ पीरियड ड्यूरिंग विच देर हैज बीन अ डिस्पोजल ऑफ अ सब्सिडी। द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मस्ट रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ ऑनरशिप सब्सिडी इन द पीरियड। वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपने आपने आपकी एक सब्सिडी है, वो आपने सेल डाउन कब की? आपने 31 मार्च को सोल्ड आउट की। ओके, अब क्या होगा? वो कहता है कि फुली डिस्पोज हो गई है, तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो 3/12 हो जाएगा। उस 3/12 तीन महीने का आपका आपका है जो पीरियड आप, जो आपके पास होल्डिंग रही है, उस 3 महीने का पीएनएल है वो आप जो है वो कंसोलिडेट करेंगे। 9 मंथ का जो आपके पास नहीं रहा है वो आप छोड़ देंगे। ये बात कर रहा हूं। When the control is lost, the statement of all those must shows the profit loss on disposal of the subsidy. This rule in IFRS 10 covers all disposal and part disposal. When a parent makes a part disposal of an interest in subsidy, it will be left with a residual investment. ठीक है ना जी, आपने क्या किया था? आपने 70% इन्वेस्टमेंट की हुई थी, आपने पार्टली बेची, आपने कहा 30% मैंने 40% सोल्ड कर दिया, तो वो कहता है आपका 30% बाकी रह जाएगा। उसको आप क्या बोलता है? उसको बोलता है कि ये रेजिडुअल जो है वैल्यू आपके पास बाकी बच गई है। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द पार्ट ऑफ डिस्पोजल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रेजिडुअल इंटरेस्ट। तो वो कहता है इसकी नेचर पर डिपेंड करेगा कि आपने क्या करना है। अब देखें, यहाँ पे मैंने 30% कर दिया, तो ये 30% क्या बन जाएगा? ये आपका एसोसिएट बन जाएगा। तो ये उसकी नेचर पर डिपेंड करेगा कि क्या बन गया। अब जो रेजिडुअल पार्ट है वो क्या है, उसकी अकाउंटिंग भी उसका उस रेफरेंसिंग करेंगे। इफ अ पार्ट disposal result in the loss of control, control loss ho gaya, the parent must recognize a profit or loss on disposal in consolidated financials. ठीक है जी, आपने कहता है आप अपने कंट्रोल ही लूज कर दिया आपने, तो जब आप लूज कर देंगे तो आप उसको पार्टली जो है पीएनएल जो है वो आपको इनकॉर्पोरेट कर देंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। द पार्ट डिस्पोजल व्हिच डस नॉट रिजल्ट इन लॉस ऑफ कंट्रोल इन अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द ओनर्स ऑफ द सब्सिडी, इन दिस केस द पेरेंट डस नॉट recognize profit loss on disposal in consolidated financials. अब वो कहता है control तो lose हुआ ही नहीं आपका, आपके पास पहले investment थी 80%, अब आपने 30% आपने lose बेच दिया है, 60% बचे, control अभी भी आपके पास है, तो आप क्या करेंगे? आप P&L को जो है पूरा ही लेके जाएंगे, पूरे साल का लेके जाएंगे, इसमें आप जो इसकी partition नहीं करेंगे। कहता जना पैटर्न ऑफ ऑनरशिप, द पैटर्न ऑफ ऑनरशिप इन अ पीरियड इज ऑलवेज रिफ्लेक्ट द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। IFRS 11 रिक्वायर्स दैट एन इंटरेस्ट इन सब्सिडीज इज कंसोलिडेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशंस ऑफ द टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो जिस डेट को आपने एक्वायर किया है और जिस डेट को आपने इसको डिस्पोज किया है, उस पीरियड के दरमियान का जो पीरियड है वो आपका कंसोलिडेशन आएगा। यहाँ तो उसने आपको बताया हुआ है डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर। अब सपोज करें कि ये जो है आपका ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं कि ये डेट ऑफ डिस्पोजल जो है ये आपकी 30 सितंबर है, ओके, और ये आपका 31 दिसंबर है, ये एंड है। अब वो कहता है पहली पोजीशन क्या है? फुल डिस्पोजल पे। अब फुल डिस्पोज करें, फुल डिस्पोज आपने किया 19 मार्च को, अब यहाँ पे पीरियड कितना आपका पास आएगा? यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इसका जो पीएनएल है उसको कहेंगे 9/12। ये जो पीरियड है 9/12 का जो है पीरियड आपने बनाया, ये पीरियड जो है आपकी कंसोलिडेशन में ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप कहते हैं पार्ट डिस्पोजल, पार्ट डिस्पोजल लिविंग नो इन्फ्लुएंस। वो कहते हैं इन्फ्लुएंस कोई नहीं हमारा, इन्फ्लुएंस आता है तो क्या होता है? एसोसिएट बनती है, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लुएंस कोई नहीं है तो हमारी एसोसिएट नहीं बनी। क्या मतलब हुआ? नो एसोसिएट, ये एसोसिएट नहीं बनी हमारी। जब एसोसिएट नहीं बनेगी तो क्या कहता है? कंसोलिडेटेड अप टू डेट ऑफ डिस्पोजल, तो उसको भी हम क्या करेंगे? 9/12 कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे? 9/12 कर देंगे।
उसके बाद बात करते हैं, वो कहता है पार्ट डिस्पोजल लिविंग, यहाँ पे क्या हुआ हमारी एसोसिएट बन गई है। जब ये एसोसिएट बनेगी तो ये पीरियड तो कंसोलिडेशन में चला जाएगा, और ये पीरियड कहाँ जाएगा, ये पीरियड आपका इक्विटी मेथड में चला जाएगा, ये आपकी एसोसिएट बन गई है। तो यहाँ पे आप इक्विटी मेथड की जो है अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद कहता है कि पार्ट डिस्पोजल लिविंग कंट्रोल, अब आपके पास कंट्रोल आपके पास रह गया है तो आप क्या करेंगे, आप क्या सिर्फ एनसीआई का इफेक्ट देंगे, क्योंकि कंट्रोल तो आपके पास है, तो जितना आपने कंट्रोल लूज किया है उतने से एनसीआई बढ़ जाएगा यहाँ पे, सिंपल इज दैट। तो जितना हम क्या एनसीआई जितनी परसेंटेज चेंज हो जाएगी एनसीआई की, यहाँ पे पहले पहले पोर्शन में आपके पास एनसीआई जो है वो सपोज करें 10% है, फिर आपने 20% और बेच दिया तो एनसीआई कितना हो गया, 30% हो गया, बस इसमें ये इफेक्ट देना है आपने कि यहाँ पे जो पहले पहला पार्ट है उसको उसको आप क्या करेंगे, उसमें आप एनसीआई के दिखाएंगे, आप कहेंगे ये 9/12 है, 9/12 जो है एनसीआई कितना परसेंट है आपका, यहाँ पर 10% है, फिर यहाँ पे 3/12 करेंगे इसको, एनसीआई की तरफ आपने आपने 30% सेल कर दिया तो आप एनसीआई को 30% कर देंगे, यहाँ पे ये इफेक्ट देंगे जब आपका पार्ट डिस्पोजल होगा लेकिन आपके पास कंट्रोल रहेगा, ठीक है जी। तो ये सारे आपके केसेस हैं, इस केस में फुल में आप फुल दिखाएंगे, अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लेंस नहीं आएगा तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लेंस आ जाएगा तो ये आपकी एसोसिएट बन जाएगी और ये आपका इक्विटी मेथड पे चला जाएगा, और जब आप पार्ट डिस्पोज करेंगे कंट्रोल आपके पास रहेगा तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनेगी, ठीक है जी, पूरे पीरियड की बनेगी, 12 महीने की बनेगी, लेकिन क्या होगा कि इस पोर्शन में जो एनसीआई है आपका वो 10% आएगा, इसमें आपका पोर्शन में जो एनसीआई है वो आपका 30% आएगा, ठीक है जी। चलो जी, कहता है इंटरेस्ट इन एसोसिएट मस्ट ऑल्सो बी इक्विटी मेथड इक्विटी काउंटेड फ्रॉम द डेट द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज अचीव्ड एट द डेट ऑफ लॉस। तो वो कहता है जी आपके ये इक्विटी मेथड अब यूज करके जो है वो जो है हमने बात की थी इसकी बात कर रहा है। Thus the figures from the statement of profit or loss account and other comprehensive incomes that relates the period up to the date of disposal must be identified. In practice this would normally be achieved by constructing the set of account up to the date of disposal. In exam questions we tend to use time proportion. So time proportion aapne karna hai, aapne kya karna hai, 9/12 karna hai, aapne kya karna hai, 3/12 karna hai. There is another reasons for consolidating up to the date of disposal. The calculation of profit and loss on disposal involves comparing the sale proceeds of what leaves the statement of financial position as at the date of disposal. Therefore, the results of the subsidiary must be consolidated up to the date of disposal in order to establish. तो कहता है आपने जितना आपके कंट्रोल रखा हुआ आपने इसकी बात आपसे कर रहा है, वो कह रहा है कि आपने जो रिजल्ट लेने हैं वो आपने जो है वो इस पीरियड के लेने हैं, क्योंकि आपके पास लूज कंट्रोल लूज हो गया ना, तो वो कहता है आप उसको जो है पीरियड की आप लेके जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल IFRS specify that IFRS 10 specify that approach for calculating the profit or loss on disposal. This approach involves comparing the assets that is recognized as a result of disposal, i.e., proceeds of sales, the amount that are recognized as a result of disposal. The calculation is as follows. क्या कह रहा जी? वो कहता है आप क्या करेंगे? आप profit or loss on disposal कैसे बनाएंगे? कहता है आप क्या करें? आपके पास sale proceed की, आपने sale किया, आपने sale proceed ली. उसमें से आप क्या करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ रेजिडुअल इंटरेस्ट उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है जी, इसको आप ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे ले आएंगे। उसमें से आप क्या माइनस करेंगे, नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडीज, तो आप सब्सिडीज के एसेट निकाल दें इसमें से, एनसीआई निकाल दें इसमें, ठीक है, नेट ऑफ एनसीआई कर दें इसको आप, शेयर ऑफ नेट एसेट्स नेट ऑफ एनसीआई, तो एनसीआई माइनस करके आप दिखाएं कि कितना आपका शेयर चला गया, उसके बाद गुडविल को जो है माइनस कर दें आप, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। तो इसी फॉर्मूले पे जो है जितने भी हम अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सारे हम इसी पैटर्न पर करेंगे। आपने देखना है कि सेल करके कितना पैसा आया, ठीक है जी, आपका कैश आया, उसके बाद कितनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बाकी बच गई, जो इन्वेस्टमेंट बाकी बच गई है उसको आपने फेयर वैल्यू पे लेके जाना है। आपके पास इन्वेस्टमेंट थी आपकी 70%, आपने 40% बेच दी, 30% बाकी बची, वो 30% जो है वो आपकी रेजिडुअल है, उसको आप फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें से आप क्या माइनस करेंगे, आपके एनसीआई, आपके जो सब्सिडी, जो आपकी सब्सिडी थी आपकी, उसके अंदर जो आप
आइडेंटिफाई नेट एसेट हम ऊपर जिक्र करते हैं, आइडेंटिफाई नेट एसेट आप निकालेंगे, उसको नेट ऑफ करेंगे आप एनसीआई से, ठीक है जी। तो नेट ऑफ एनसीआई जो है उसका है आपका आ जाएगा आईएनए, उसमें से आप गुडविल जो है अपना पोर्शन जो है वो माइनस कर देंगे, तो आप कहेंगे ये जो बाकी बच गया है ये आपका प्रॉफिट हुआ है ऑन डिस्पोजल। यहाँ पे इसका जहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन हम करते हैं। अब कहता है फर्स्ट जनवरी ईयर 9 एच एक्वायर्ड 90% उसने एक्वायर किया ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड एट 120, ये उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसने इन्वेस्टमेंट्स की 120 की, ठीक है जी। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई, हम यहाँ लिख देते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की, 120 की हमने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी टोटल, ठीक है जी। उसके बाद कहता था फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइड नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड एट द डेट वाज 111 एंड द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई ऑन 1 जनवरी इज 9 मिलियन। अब यह फेयर वैल्यू दी हुई है एनसीआई की, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम एनसीआई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसे ऑलरेडी हमें कैलकुलेट करके दे दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो है इसमें से माइनस करेंगे अपना नेट एसेट्स, लेस करेंगे नेट एसेट्स, वो कितने दिए हुए 111 और नेट करेंगे एनसीआई, एनसीआई उसने दिया हुआ हमें 9 मिलियन, ठीक है जी। यहाँ पे इसने बना के वैसे दिया हुआ, इसके बनाने की जरूरत नहीं, ये गुडविल यहाँ पे कैलकुलेट करके दी हुई इसने, तो इसकी गुडविल आ जाएगी आपके पास 11118। उसने कहा नेट रेस्टोरेंट कितनी है आपके पास, उस नेट रेस्टोरेंट में आपने जो है वो अपना जो टोटल एसेट्स माइनस किए, तो टोटल एसेट माइनस करेंगे उसको हम नेट कर देंगे एनसीआई से कि आपका शेयर कितना है उस एसेट्स में, तो अपना शेयर आप निकाल लेंगे उसमें से, आप इन्वेस्टमेंट से उसको डिफरेंस लेंगे, वो आपकी गुडविल आ जाएगी। वैसे इसने कैलकुलेट करके अभी दी हुई थी गुडविल में। कहता है जनाब एस लिमिटेड सब्सिक्वेंटली सोल्ड द शेयर्स ऑफ 31 दिसंबर 197,000। उसने क्या किया, उसने सेल कर दिया, ये उसकी क्या है, ये सेल प्रोसीड है। द कैरिंग वैल्यू ऑफ दैट एसेट 24। अब यहाँ पे कैरिंग वैल्यू जो है ना, ये क्लोजिंग वैल्यू है आपकी, क्लोजिंग आई एन ए आपको दी हुई है उसने। अब इसको जो है हम ऊपर जो है हमारे यहाँ पे जो है फॉर्मूले में ऐड करते हैं। हमने कहा कैश कितना मिला हमें, हमें कैश मिला 197। ठीक है जी, 197 मिलियन हमें कैश मिला, और हमारे 124 क्या है, हमारे क्लोजिंग एसेट्स हैं, ठीक है जी। तो एक क्लोजिंग एसेट हमारे ये है 124, इसमें से आपने क्या माइनस करना है, इसमें से आपने माइनस करना है आपकी आपका जो है वो एनसीआई। अब एनसीआई जो आपका है वो कितना है, यहाँ पे जहाँ पर एनसीआई में दिया हुआ है इसने 9 मिलियन, ये 9 मिलियन क्या है, ये ओपनिंग है, ठीक है जी। इसका हमने बनाना है क्लोजिंग, क्लोजिंग कैसा बनेगा इसका, आप देखें कि इस 1 जनवरी को ये शाम काम शुरू हुआ, 1 जनवरी से लेके कब खत्म हुआ हमारा काम, हमने कब सोल्ड किया इसको, हमने सोल्ड किया 31 दिसंबर को, तो पूरा साल हो गया। अब इस पूरे साल में कितना प्रॉफिट बना, उस प्रॉफिट का जो है वो शेयर हमें एनसीआई में ऐड करना है। तो हमने कहा कि एनसीआई जो है हमारे पास ओपन क्लोजिंग जो है हमारे पास क्लोजिंग नेट एसेट कितने हमारे पास 124, और ओपनिंग कितने थे हमारे पास, ओपनिंग थे हमारे पास 111। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एडिशन हुआ 124 में से जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 13। तो 13 क्या हुआ, आपका एडिशन हुआ पीएनएल में, इसमें एनसीआई कितना है, ठीक है जी, एनसीआई का शेयर इसमें कितना है, 10% है, ठीक है ना जी, 90% हमने लिया हुआ ना, ये 90%, तो 10% एनसीआई है, तो 1.3 जो है इसका ये क्या है, ड्यूरिंग द ईयर जो है वो एनसीआई में एडिशन हुआ है, ठीक है जी। तो ओपनिंग कितना था इसका, ओपनिंग एनसीआई कितना था, बस 9 था, ये 9 दिया हुआ है ये रहा। तो भाई टोटल एनसीआई कितना हो गया आपके पास, 10.3। इस 10.3 को जो है हम यहाँ पे रखेंगे, नेट ऑफ करेंगे 10.3 से इसको, ठीक है जी। तो ये आपका पास आ जाएगा 113.67। गुडविल कितनी हमारी, गुडविल हमारी 18 है जनाब, और गुडविल के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया कि इसको इम्पेयरमेंट हुई है कि नहीं हुई है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेमेंट कुछ नहीं हुई है, हम यहाँ पे गुडविल जो है वो 18 से माइनस कर देंगे। अब हमारे पास रेजिडुअल इंटरेस्ट कितनी है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, एच लिमिटेड सब्सिक्वेंटली सोल्ड शेयर ऑफ 31 दिसंबर, उन्होंने सारा का सारा शोकर सेल कर दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह जो हमारी फिगर है वो नील है, तो 197 एज इट इज आ जाएगा और इसका नेट शेयर जो है आपका आंसर आ जाएगा 65.20। ठीक है जी, और ये इसकी जनाब यहाँ पे इसने सारी वर्किंग हमें बना के दी हुई है कि आपने इसको कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ डिस्पोजल मस्ट बी सपोर्टेड बाय सेवरल अदर कैलकुलेशंस, देयर आर द गुडविल अराइजिंग ऑन एक्विजिशंस व्हिच इन टर्न नीड टू सेट टू नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। वो कहता है अदर कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, वो क्या है, पहली बात करता है गुडविल की, गुडविल जो एक्विजिशन में अराइव होगी, व्हिच इन टर्न नीड द नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला पता है ना, आप कैसे निकलती है गुडविल, गुडविल के लिए आपको ओपनिंग एसेट चाहिए, आपको ओपनिंग एनसीए चाहिए और आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। तीन चीजें जब तक आपको नहीं मिलेंगी, ये देखिए तीन चीजें आपको जब तक नहीं मिलेंगी आप गुडविल कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आपको अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए डिस्पोजल में भी। उसके बाद कहता है द नेट एसेट ऑफ द सब्सिडी एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल आपका क्या है नेट एसेट क्या है, यहाँ पे आपको 124 दिया हुआ क्लोजिंग नेट एसेट आपको पता होना चाहिए, विच इन टर्न नीड्स द कैलकुलेशंस ऑफ इक्विटी रिजर्व्स एट द डेट। तो उसमें हमने क्या किया, इसको हमने यूज करके क्या निकाला, हमने रिजर्व निकाला, ये ऑपरिंग एसेट्स मैंने क्लोजिंग एसेट्स हमने किए, तो हमें क्या पता हमें कि ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ, तो उस प्रॉफिट से क्या किया हमने उसके एनसीआई कैलकुलेट किया हमने। ठीक है जी, तो वो कहता है ये सब चीजें आपको होगी पता, तभी जो है वो आपका आपका जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है जी, चलो जी आगे चलते हैं। कहता है एग्जांपल दे रहा है कि ऑन 1st जनवरी 1900 एस लिमिटेड होल्ड 80% ऑफ द एस लिमिटेड, तो यहां पर शेयरिंग कितनी है, बस 80% है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड इज 570, तो वो कहता है कैरिंग अमाउंट कितनी है आपकी, 570 आपकी कैरिंग अमाउंट है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने डिस्पोजल ऑफ हमने क्या निकाला, हाउ शुड द डिस्पोजल ऑफ द शेयर्स अकाउंटेड फॉर इग्नोर द डेफर्ड टैक्सेशन, तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप कितना गेन और लॉस होगा आपका, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, तो हम साथ साथ ही निकाल लेते हैं। हमने कहा जनाब आपने क्या किया, आपके कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट्स एट द ऑफ दिस डेट स्टार्टिंग डेट में कितना था आपका, 4570 था, तो 570 जो था आपका यहाँ बाय लिखते हैं हम क्या करेंगे, इसको हमने माइनस कर देना, जितना वहां पर डेट एसेट्स वो निकल जाएगा। अच्छा जी, उसको कहता देयर वाज ए गुडविल ऑफ 20 मिलियन नेट ऑफ एक्युमुलेटेड रिपेमेंट रिलेटिंग टू द इन्वेस्टमेंट इन एस, ऑल दिस गुडविल्स आर अटैचेबल टू द इक्विटी ऑन अशोर, वो की सारे के सारे गुडविल किसकी है, पेरेंट की है, और उसकी ये नेट ऑफ इंपेयरमेंट है, तो ये भी चली जाएगी हमारे पास नहीं रहेगी, इसको माइनस कर दें। ठीक है जी, तो ये ऑलरेडी नेट ऑफ करके दी उसने, ये तो नेट को ऊपर हमने क्या किया था, यहाँ देखिए गुडविल माइनस की थी हमने, ठीक है ये गुडविल आ रहा था आपका, तो यहाँ से गुडविल को माइनस कर दिया। उसके बाद कहता जी ऑन 1st अप्रैल को क्या हुआ, एस्टिमेटेड सोल्ड एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ S5, उन्हें तमाम के नाम सोल्ड आउट कर दी, तो कैश आपके पास आ जाएगा 572 में ऐड कर लेंगे आपकी। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट आपकी सोल्ड आउट हो गई, कैश आपके पास आ गया। उसके कहता है एस लिमिटेड वाज अ फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 दिसंबर, इट वाज सब्सटेंशियली एस्टैब्लिश्ड दैट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ एस लिमिटेड फॉर द ईयर इज इन द ईयर 120 मिलियन, तो 120 मिलियन कितना इसका प्रॉफिट कितना है, ये प्रॉफिट पूरे साल का है, हमने कब सोल्ड किया, हमने इसको सोल्ड किया अप्रैल में, तो हमारा प्रॉफिट में हिस्सा कितना आया, 3/12। ठीक है जी, 120 का 3/12 आप कर लें तो वो 30 मिलियन आपका आ जाएगा, ये आपका शेयर है जो 3 महीने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है जी, अब यहां पे जो है इसका हमने देखना है कि इसको इसका एनसीआई कितना गया, यहां पे जो आपने एसेट्स लिए हैं ये इसका टोटल एसेट्स है, ये टोटल एसेट में हमारा परसेंट हमारा कितना हिस्सा है, हमारा 80% हिस्सा है।
ठीक है जी, तो इसका 70% कहते हैं। हमने कहा जनाब सॉरी यार कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है इंटरनेट में, तो ये ना मुझे तंग कर रहा है। चले अभी वैसे स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि इसका एनसीए का पोर्शन हमने बनाना है। हमने कहा इसका ओपनिंग एसेट कितने थे, 570 थे। ठीक है जी, इसमें हमने क्या किया, हमने कहा 30 था इसमें प्रॉफिट ऐड हुआ इस साल का, ओके। और इसमें एनसीए कितना है, 20% है, तो ये आपका आ जाएगा 120। ठीक है जी, तो 120 जो है आपका यहाँ पे एनसीए आ जाएगा इस एसेट के अंदर, जो है 120 जो है वो आपका इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक हो गया जी, तो इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 75। ठीक है जी, यहाँ पे इसने इसको सिंपल मिला के दिया हुआ है। उसने कहा आपने सेल कैश सेल प्रोसीड किया आपने, ठीक है जी, उसके बाद आपने एनसीए को इसको 120 के पोर्शन दस का निकाला, आपने ये कैलकुलेट किया 120 का। ठीक है जी, इसको आपने नेट ऑफ किया, एसेट्स को आपने नेट ऑफ किया, 620 के आपके एसेट लेके उसको नेट ऑफ किया आपने, आपका 500 आ गया, और ये आपका 75 जो है आपका जो है वो आपका गेन ऑफ डिस्पोजल आ गया आपका। ठीक है जी, टोटल गेन आपका ये आ गया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं जी क्या कह रहा है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पी लिमिटेड बॉट 80% ऑफ द इश्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ एस 25 इयर्स गो एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 330,000। तो 25 इयर्स गो जो है उन्होंने एस्टिमेट की थी, कॉस्ट एस्टिमेट किया है आपकी 330,000 है। When the net assets of S limited is 2,00,000, जब उसके assets कितने थे 2,80,000 थे, उसकी goodwill यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले, तो goodwill मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ उसकी। goodwill के लिए आपको क्या चाहिए, goodwill के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसकी चाहिए के इसमें हमारी एनसीए इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो उसने हमें दी हुई इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, तो इन्वेस्टमेंट कितनी दी हुई उसने, पहले इसके हम निकाल लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट 330,000 दी हुई हमने इन्वेस्टमेंट की, राइट जी, और उस पर एनसीए कितना है, एनसीए इसमें ऐड कर लेंगे इन्वेस्टमेंट में, एनसीए कितना है, एनसीए इसका कैसे निकलेगा, एनसीए इज इक्वल टू 280 का 20%। ठीक है जी, तो वो आपका आ जाएगा 56,000। तो ये आपकी टोटल बिजनेस की वैल्यू बन गई 56,000, इसमें आप ऐड कर दें तो आपके बिजनेस की पूरी वैल्यू आ जाएगी। और आपका जो नेट एसेट के दिए आइडेंटिफाइड नेट एसेट कितने आपके, वो उसने दिए हुए आपको 2,80,000, वो आप 2,80,000 से माइनस कर दें तो आपका आ जाएगा गुडविल 1,06,000। ठीक है जी, तो ये आपने इसके साथ ही जो है सबसे पहले हमने क्या किया, इसका गुडविल हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे वो कहता है जनाब नो गुडविल इज एट्रिब्यूटेबल टू द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वो कहता है नॉन कंट्रोलिंग इसको तो गुडविल कोई एट्रिब्यूट नहीं होगी, गुडविल अराइज ऑन द एक्विजिशन हैज सफर्ड इंपेयरमेंट ऑफ 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कहता है इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका जो 80% है वो क्या हो गया है, वो आपका इम्पेयर्ड हो गया, तो बाकी क्या बचा आपका 20% बाकी बचा, इसका 20% आप ले लें तो आपकी गुडविल जो अभी स्टैंड कर रही है वो ये स्टैंड कर रही है जिसको हम माइनस करेंगे। तो आफ्टर रिपेयरमेंट जो है गुडविल आपकी कितनी हो गई है, वो 21,200 हो गया। आगे कहता है ऑन द फाइनल डे ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड पी सोल्ड इज एंटायर शेयर होल्डिंग इन एस प्रोसीड फॉर 4,60,000। उन्हें सारी उसकी सेल प्रोसीड कर दी, सेल प्रोसीड कितना हुआ आपका 4,60,000 से आपकी सेल प्रोसीड होगी। एट दिस स्टेट द नेट एसेट जो थे वो क्लोजिंग एसेट आपको दिए हुए, ये क्लोजिंग एसेट है, क्लोजिंग आइडेंटिफाइड नेट एसेट्स। ठीक है जी, ओपनिंग भी आपको दिए हुए थे, आपको क्लोजिंग भी दिए हुए थे, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ द, आप प्रॉफिट लॉस निकाल दें। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कितना दिया हुआ है, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है,
4,60,000 से आपने सेल किया, राइट? गुडविल आपके पास नहीं रही, गुडविल कितनी नहीं रही आपके पास? 21,000। इक्कीस हजार 600 की आपकी गुडविल नहीं रही, ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट चली गई है, तो गुडविल आप माइनस कर दें। उसके बाद जनाब आपके पास नेट एसेट कितने हैं आपके पास? नेट एसेट कितने हैं आपके पास? आपने कहा था 4,00,000 के एसेट्स हैं, ठीक है जी, इसमें आपका हिस्सा कितना है? 80% है, तो ये बनेगा 3,20,000, या भी आपका नहीं रहेगा, इसको भी आप 3,20,000 को माइनस कर दें, तो ये आपका आ जाएगा 1,18,000, बाकी बच जाएगा आपके पास 1,18,000। तो ये हमने क्या किया, ये जो मैंने वर्किंग अभी की है, ये वर्किंग हमने कैसे की, हमने सिर्फ अपना पोर्शन लिया, हमने कहा कि जो नेट एसेट्स आपके पास बची गए, जो आपके एसेट्स गए, क्लोजिंग एसेट्स जो आपके गए, वो आपकी अपनी वैल्यू पे गए, आपके पास कैश आया, आपकी अपनी गुडविल गई, तो ये हमने क्या किया, अपने हिसाब से कर लिया। इसको हम अल्टरनेटिव तरीके से देखते हैं कि अल्टरनेटिव तरीके से कैसे होगा, जैसे हम ऑलरेडी करके जो ऊपर जैसे हम करके आए, इसको उस तरीके से भी निकाल के देख लेते हैं। देखे जी, इसको मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, अब मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूँ। हमारा मेन तरीका क्या था, हमने ऊपर जो ऊपर फॉर्मूले लिखे हैं वहां पे इसको डालते हैं, हमने कहा जी आप इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, आपकी आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 4,60,000। एक मिनट थोड़ा सा